गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है लाइफ विद श्रीहित के डे 18 में। तो आज है रक्षाबंधन और आज ही जियो वाले भैया आने वाले हैं, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट डाल दिया था फाइबर बिठाने के लिए, तो आज वो आएंगे। आज फाइनली हमारा जियो का जो सेटअप है वो सब कुछ हो जाएगा। उसके साथ पता है हमें एक सेटअप बॉक्स भी मिलेगा, जिसमें हमें बहुत सारे ओटीटी चैनल्स वगैरह फ्री मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एंड ऑल्सो उसमें कार्टून भी चलने वाले हैं। यार मतलब तुम सोच सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे शिंचन वगैरह देखना, कार्टून्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है। एनीवे, अभी उठ गए तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि अभी क्लीन नहीं करूंगी, सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मुझे ना ब्लाउज का थोड़ा सा काम बचा है वो वाला काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हमें फाइबर बिठवाना है। और मैंने अभी भाई को से याद आया, आज हमें पनीर बनाना है, तो मुझे भाई को भेजना होगा पनीर लाने के लिए, क्योंकि पनीर बनाने के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और हाँ, एक और चीज, आज जो राखी है ना वो 2 बजे के बाद ही बांधना है, क्योंकि 2 बजे तक के मुहूर्त नहीं है, भद्रा है, तो 2 बजे के बाद ही मुझे भाई को राखी बांधना है। तो तब तक के हम सारे काम निपटा लेते हैं और उसके बाद भाई को राखी बांधेंगे। और फाइनली पूरे 2 घंटे बाद हमारा जो जियो का फाइबर है नया वाला वो लग चुका है। और पता है इसके साथ हमें एक सेटअप बॉक्स भी मिला है, इसका मतलब हमें बहुत सारे चैनल्स फ्री मिलने वाले हैं। और मैं अभी देखने वाली हूँ शिनचैन, इस पे कम से कम 500+ चैनल्स हमें मिले हैं। तो मतलब तुम सोच सकते हो कितनी ज्यादा अच्छी बात है। एंड ऑल्सो 13 OTT चैनल्स, कैन यू इमेजिन, बस नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम छोड़ के। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नेटफ्लिक्स है और अमेजोन प्राइम तो पूरे 1 साल का है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों चीजें हैं। उसके अलावा हमें 13 OTT चैनल्स मिले, मतलब मेरी जो खुशी है वो एकदम पैसा वसूल है। कितने का मिला पनीर? 85 का एक का होता, मैं 100 का लाया। तो भाई ने पनीर ला लिया है और अभी हमें बनाना है पनीर की सब्जी, लेकिन मुझे पनीर की सब्जी बनाने नहीं आती है, इसलिए हमको ना मम्मी को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी के जो टाइप की पनीर है ना वही मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मम्मी को कॉल करना होगा। और ही शिट, फ्रोजन ये चाहिए थे बाबू अपन को, फ्रोजन वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लेकिन उसको, फ्रोजन फ्रोजन नट्स क्या बोलते हैं, फ्रोजन मटर क्या बोलते हैं, फ्रोजन मटर बोलता बताना, वो लाना पड़ेगा अपन को, फ्रोजन मटर, फ्रोजन मटर लाना पड़ेगा। ये अंकल के पास मिलेगा तुझे, ये वाले नीचे वाले अंकल मिलेगा, जा। तो अब भाई ने पनीर मुझे लाकर दे दिया है, नाउ इट्स टाइम टू कुक पनीर, बटर पनीर, एक्चुअली बटर मटर पनीर। और ये वाली जो रेसिपी है ये मैंने मम्मी से पूछी है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, उसमें मैं डालने वाली हूँ तेल, और मम्मी ने कहा है ना कि इस तेल को भी हमें अच्छे से गरम कर लेना है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ना पीस के रख दिया है, इसमें मैंने मिक्स किया था 1 टमाटर, 2 प्याज और थोड़ा सा जीरा, बस उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और जब तक कि तेल गरम नहीं होता है तब तक कि हमें वेट करना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है ना कि तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें ये जो पेस्ट है वो डालना है। अब देखो, अगर आप लोगों के पास फ्रोजन मटर है तो आप वो डाल सकते हो, वरना स्किप कर देना। अब देखो, पता है मैं ना शूट करना भूल गई, तो इसमें हमें बहुत थोड़े से मसाले डालने हैं। इसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच टर्मरिक हल्दी डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है। मिर्ची पाउडर हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं ज्यादा डालना है, बिकॉज उसकी वजह से पनीर पूरा खराब हो जाएगा। अब जो मेन इन्ग्रीडियंट हमें इसके बाद डालना है वो है सुहाना का पनीर बटर मसाला। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, और अब इसमें हम डालेंगे बटर, तभी तो भाई बटर मटर पनीर बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, बता आप कैसा बना है खाकर, ठूस के बता कैसा बना है, ठूस। सिर्फ अच्छा है मम्मी, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट है क्या, मम्मी से अच्छा नहीं बनाए क्या, मत खा छोड़ दे। अच्छा लेट्स सी, अब भाई तो बोल रहा है कि अच्छा बनाए, खा कर देखते हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा ही बनाया, वरना इसके पहले पता है एक बार नागपुर में मम्मी गाँव गई थी और हमने घर पे पनीर ट्राई की थी, वो इतनी गंदी बनी थी। बहुत ही गंदी बनी थी वो। चल अब तू इतने दिन से बोल रहा था खाना है खाना है, आज खाकर कैसा लग रहा है तुझे? हाँ, कब से बोल रहा है? 1 साल से बोल रहा है क्या? नहीं,
बट हो गया 2-3 महीना। मम्मी फरवरी में आई थी, फरवरी में नहीं बनाए थे, पिछले दिवाली पे बनाए थे पनीर। हाँ दिवाली पे बनाए थे पनीर, 9 महीने हो गए खाए। तो हम नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, बस अभी फटाफट से मुझे कपड़े पहनने हैं और भाई को राखी बांधनी है, लेकिन ये तो हाफ चड्डी में बैठा हुआ है। ऐसे बाबू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बाथरूम में पागल कहीं का, चुप रहे, मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैंने अपना मेकअप वगैरह कर लिया और मेकअप का मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि इतने ज्यादा फास्ट फास्ट किया ना मैंने अपना मेकअप। चलो फिर अब हम फटाफट से अपनी ये साड़ी पहनकर आते, और हमारी साड़ी पहनकर हो चुकी है। चलो फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है और कैसी क्या। अच्छा, और भाई ने ये कुर्ता पहना है, पहले तो ये सिर्फ कुर्ता पहनने वाला था और नीचे कुछ भी नहीं पहनने वाला था, मतलब नीचे अच्छा गिफ्ट कहाँ है, पागल है क्या, गिफ्ट कहाँ है, कुछ नहीं, चल राखी बांध, पनीर बना, भूख लगी है। पनीर तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो तो खा लेना, खा लेना है ना तुझे। चल फिर राखी बांध, खाना खा दे, इतनी भूख बहुत तेज लगी है, मतलब राखी नहीं बंधवानी, भूख लग गई है। खाना खाते है, गिफ्ट क्यों भाई, राखी किस लिए रहती है, गिफ्ट के लिए रहती है। हाँ की राखी पूरे 80 रुपए की राखी है, 80 रुपए का था, 80 रुपए का था, ये गिफ्ट भी नहीं देगा, पता है मुझे कितनी सुंदर राखी है ये। गिफ्ट तो एक पैसे का नहीं, गिफ्ट मिलने वाले, देख क्या लिखा है, सुंदर है ना, अच्छी है, कृष्ण जी की, हाँ मोर की है, अच्छी है। देख 99 रुपीज की थी ये, अपन को 79 डी मार्ट से लाया ना मैंने, यही मैंने डी मार्ट से लाया है इसलिए हमको इतनी सस्ती मिली है। क्या फट जाएगा, तो फटने देना, वैसे भी किसको देना, बाबू मेरा सोफा मत खराब कर, सच में बहुत टाइट है, फट गया, फट गया, तो मेरा सोफे की पूरे तकिए खराब कर रहे हैं। रक्षाबंधन की एक सच्चाई आप लोगों को बताती हूँ, पता है हम लोगों ने मिठाई लाई थी कल, और मिठाई कल ही था, और हमने कल ही लाई हुई मिठाई कल ही पूरी खत्म कर दी, तो आज हम लोगों को ये कच्चा यानी पक्का नहीं, ये सब चीज दिखाई, तो आज हम लोगों को ये पक्का पक्का मैंगो बाइट रखना पड़ रहा है, वो पार्ले जी का। मैं तो तुझे बोला मत दिखा, राखी बांधने का वीडियो दे बस, ये सब खुद, और मैंने तो सिर्फ एक ही, तो भाई पूरा डब्बा तू ही खाया मिठाई का, मैं तो एक आज खा लेता हूँ, बाकी कल जब मिला ही खाएंगे। अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि राखी में देखो मेरे को ये एक सब खिलाना पड़ता है। अच्छा खुद खा गई ले, तो इतना नीचे नहीं, ऊपर देखना थोड़ा बाबू, लंबा लगाना टीका, तो ऊपर देखना, हाथ रख ऊपर, अभी सब लंबा, अरे नीचे लंबा नहीं ऊपर लंबा, मैं बोला नाक पे कहाँ लेके जा रही है, कुछ पैसे नहीं रखे। अब ये ले पार्ले जी खा, अरे सब मत खिला रहे हैं, मीठा खाना पड़ता है। कम पक्का मैंगो वाइट, पैर पड़, बहुत टाइट है, पैर पड़, टाइट होता नहीं, पूरा लेट के पढ़ना पड़ता है, नहीं पूरा लेट जा, अरे पैंट फट जाएगा, अरे पूरा लेट, पूरा लेट जा, ऐसा हाँ, अब 10 मिनट ऐसा ही रहना पड़ता है, सच में नहीं रहे, उठ जा, चल अभी पार्ले जी की ला, पार्ले का क्या बंधन है, सब खा गई मेरे मिठाई, अब कुछ नहीं, गिफ्ट, गिफ्ट कौन सा गिफ्ट, क्या हुआ, गिफ्ट देता हूँ तुझे कभी, हाँ कब, कितने साल में तुझे गिफ्ट, 100 रुपए, अभी तो मेरा लाया हुआ सेलिब्रेशन तो दे दे मुझे कम से कम, इसको क्या कर रही थी, दिवाली बन रही है, ए? मेरा ही खरीदा हुआ मुझे दे रहा है, और वो तुझे दे रहा हूँ खाने में मालूम, क्या चुप रहे, खाली दिख रहा है बोल रहा है, खुद सुमड़ी में निकाला है इसने, झूठ खा लिया तूने, पेट में गया वो बाबू तेरे। तो हम हो चुके हैं रेडी मूवी के लिए, लेकिन भाई ने आज मेरी कॉपी कर ली है, क्यों कॉपी किया तूने, दीदी क्यों, कितना झूठ,
मैं पहले से ही पहन लिया था मेरे पास, क्योंकि इसने देखो इसने डेनिम जैकेट पहना है और मेरा भी जो आउटफिट है ये भी मैंने एकदम डेनिम वाला जो बॉडीकॉन है जो हमने जूडियो से लिया था अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वो पहना है। मैंने जूडियो से ही लिया है। क्या जूडियो से लिया है ये? हाँ ये हाँ। देख ये भी तूने कॉपी किया, अंदर का भी जूडियो का है बाहर का भी जूडियो का है। तू इतना जिद कर रहा है बोलकर इसको मैं रक्षाबंधन पे मूवी दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। हाँ तू जिद कर रहा है इसलिए तुझे लेकर जा रही हूँ, वरना चल पाऊ अपन कभी गए नहीं इतने सालों में। अच्छा झूठा पूरा नाम इल्जामात डाल रहा है ये मेरे ऊपर झूठे। ब्लॉग तो ये रहा हमारा, ऑलरेडी पता है मैं बुक करके आई थी तो हम इजीली आ गए, वरना पीछे इतनी बड़ी लाइन है। आए हाय, मैंने रेक्लाइनर सीट्स बुक की है, सच बता रही हूँ जिंदगी में पहली बार, और बड़ा मजा आ रहा है सच में। अच्छा बस कर रे, बस कर बस कर बस कर। मूवी कैसी लगी? हाँ अच्छी थी। क्या? हाँ मतलब फर्स्ट पार्ट ज्यादा अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा था। हाँ कॉमेडी भी फर्स्ट वाला ज्यादा था। हाँ तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट बना रहे थे इसीलिए ना। हाँ राइट ठीक था, फर्स्ट पार्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकंड पार्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सेकंड पार्ट अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। और मूवी देखने के बाद हम आ गए हैं पिज्जा हट पिज्जा खाने के लिए, और पता है मुझे पसंद है चीज एंड कॉर्न, ठीक है, लेकिन हमने जब वो ऑर्डर किया तो भैया ने बोला कि नहीं वो सिर्फ जोमेटो और स्विगी पर ही अवेलेबल होता है, मतलब वो सिर्फ जोमेटो और स्विगी ही डिलीवर करते हैं, वो वाले पिज्जा हम नहीं बनाते, आपको कोई दूसरे मार्गरिटा पिज्जा मंगाना पड़ेगा, लेकिन वो पसंद ही नहीं है यार तो मंगा के क्या मतलब है, इसलिए हमने सोचा कि जाने दो घर जाके ही ऑर्डर करते हैं या देखते हैं क्या खाना है। तो अभी हम आ गए हैं मूवी देखकर, फटाफट से मैं चेंज करती हूँ क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है और अभी 10 बजने वाले हैं। मेरा एक भी ब्लॉग एडिट नहीं है अभी तक के, ना बड़ा वाला ब्लॉग ना छोटा वाला ब्लॉग। मुझे ऐसा लगा था कि मे बी शायद हम 5 बजे शाम को जाएंगे तो 7-8 बजे तक के घर वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें 9:30 बज गए घर पर आते आते। एंड ऑल्सो भाई जो है वो पिज्जा खाने का उसको मन था, लेकिन वहाँ पर पिज्जा हट में हमें पिज्जा हट में हमें पिज्जा नहीं मिला तो हमने घर पर ऑर्डर किया था जो भाई ने जस्ट खाकर यहाँ पर रखा है। मैंने तो पिज्जा को हाथ भी नहीं लगाया है बिकॉज एक बार मेरी तबीयत वो पिज्जा की वजह से खराब हो गई जिसकी वजह से हमारा रोड ट्रिप कैंसिल हो गया, तो अभी मैं पिज्जा फिलहाल नहीं खा रही हूँ इसीलिए। तो आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पक्के से मुझे बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, रक्षाबंधन वाला ब्लॉग हमारा। एंड ऑल्सो आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया ये भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके भाइयों ने क्या गिफ्ट दिया, क्योंकि मेरे भाई ने तो एक मुझे सेलिब्रेशन का डब्बा दिया जो कि मैंने ही खरीदा हुआ था डीमार्ट से। कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना अपने भाइयों से बहनों से ये वाला हमारा वीडियो, सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाना, और हम मिलता है हमारे अगले ब्लॉग में।